लिविंग फॉसिल्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बाकी के मेंबर, मतलब बहुत सारे मेंबर्स क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उस ग्रुप को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आर्कियोबैक्टीरिया है आपका, दिस इज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, दिस इज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। This is the most primitive, ठीक है, oldest living fossils हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन तो आप ये भी लगा सकते हो कि these are the most primitive organisms। बात समझ में आ रही है? These हाँ सर, हाँ are life सर, हाँ सर, forms, most primitive life forms। ओके, नेक्स्ट, ये जो ग्रुप है आर्कियोबैक्टीरिया, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जनरली ये एडवर्स हैबिटेट पे रहते हैं, या आप ये बोल सकते हो एडवर्स ना बोल के एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट कहने का मतलब है लाइक हाई टेम्परेचर, लाइक हाई एसिडिक कंसंट्रेशन, लाइक हाई अल्कलाइन कंसंट्रेशन, ठीक है, या जैसे जो है क्या कहते हैं, जहां पे जो है क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक्चुअली मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो मेथेन की जो एक्सट्रीम कंसंट्रेशन हो जाएगी वहां पे यही सर्वाइव कर पाएंगे। हेलो जो है क्या कहते हैं, आप ये बोल सकते हो कि जो बहुत ज्यादा जहाँ पे क्या बोलते हैं यार, एक मिनट, हाँ बहुत ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन जहां पे होगी वहां पे जो है क्या कहते हैं मिल जाएंगे आपको। तो ये बेसिकली एक्सट्रीम हैबिटेट में इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, तो लिख दो दीज ग्रुप्स, द दीज बैक्टीरिया स्पेशल। ये बैक्टीरिया क्या है, स्पेशल है, एज दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, यहाँ पे सन लिव लिव इन सम एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग जहां पे कि वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, एंड हाई मेथेन, जो जहाँ पे मेथेन बहुत ज्यादा रहती है, या आप ये बोल दो मार्स एरिया। मार्स एरिया तो हॉट स्प्रिंग्स में आपके जो है क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, हालांकि मैं भी आगे क्लासिफाई करूंगा। थर्मो एसिडोफाइल्स सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे जो रहते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स, और मार्सी एरिया में जो रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस।
आगे बढ़े बच्चे। हाँ सर, तो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट लिखते हैं कि जो आर्किया बैक्टीरिया है ये जनरली एनारोबिक होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, एनारोबिक। एक ग्रुप है थर्मोएसिडोफाइल्स का, वो आपको उसके कुछ मेंबर्स आपको एरोबिक मिलेंगे ज्यादातर। तो लिख दो जनरली कुछ और करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक में सेल वॉल के सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला था कि मैं आपको इसके सेल वॉल और यू बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया ना दो ग्रुप है मेनली, ठीक है, दो ग्रुप मेनली है, एक है यू बैक्टीरिया दूसरा है आर्की, ठीक है, और भी कुछ है पर जिनको आप अलग कर सकते हो लाइक एक्टिनोमाइसिस, लाइक साइनो बैक्टेरिया, लाइक ठीक है साइनो बैक्टेरिया लाइक माइकोप्लाज्मा, लाइक रिकेट्सिया, ठीक है, लाइक क्लेमाइडी, कई सारे ग्रुप हैं पर दो मेजर ग्रुप है यू बैक्टेरिया एंड ठीक है। तो हम मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आर्किया बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया हैं इनकी जो सलवाल है, ठीक है, इनकी जो सलवाल है इट इज नॉन सेलुलोजिक, डेफिनेटली नॉन सेलुलोजिक। ये चीज मैंने पहले भी आपको बोली हुई जब मैं आपको बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा था, बोला था कि नहीं। सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसके, ये जो नॉन सेलुलोजिक में आपको जो ग्रुप बैक्टीरिया है लिखना नहीं है इसलिए मैं बाहर लिखा रहा हूं, जो ग्रुप बैक्टीरिया है उसमें सेलवाल नॉन सेलुलोजिक मिलेगी और नॉन सेलुलोजिक सेलवाल के अंदर बेसिकली वो बनी किसकी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस ये लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके पास में, ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड्स की बनी हुई होती है, वही तो सर पेप्टाइडोग्लाइकन है। नहीं बच्चे यही तो है, यही तो वो है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते आप कि कोई भी पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन बनाए, नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकन बनाने का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है एंड आपको पेप्टाइडोग्लाइकन आर्किया बैक्टीरिया के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड मिलेंगे, दोनों चीज मिलेंगे बट वो मिलके वो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बना रहे। तो जो सेलवाल है इनके साथ आर्किया बैक्टीरिया वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं कि नॉन सेलुलोजिक है मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड प्लस कॉम्प्लेक्स या एमिनो एसिड्स, ने इसको पेप्टाइड कर दो, कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड या पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, क्या बच्चे पॉलीपेप्टाइड हो, पॉलीपेप्टाइड भी लिख सकते हो, पेप्टाइड्स भी लिख सकते हो, एक्चुअली बहुत बड़ा पेप्टाइड नहीं होता है, ठीक है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर लेंथ बहुत बड़ा हो जाए तो आप पॉलीपेप्टाइड कह सकते हो, तो पॉलीपेप्टाइड भी लिख सकते हो, पेप्टाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप
आपको लग रहा है पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि बहुत बड़े आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है कि 9 के नीचे आ जाए, ठीक है, 9 अमीनो एसिड्स के नीचे आ जाए तो उसको पॉलीपेप्टाइड फिर तब बोल नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, चलो बस ध्यान में रखना कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड के बने हुए होते हैं, जो कि जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दो, इट इज नॉट पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, इज नॉट पेप्टाइडोग्लाइकेन एज फाउंड इन, कहां पे मिलेगा, यूबैक्टीरिया, चलो सेलवाल से आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी मैंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन में भी वेरिएशन है, तो उसकी भी बात करते हैं। इरेज कर दूं इसको मैं? हाँ सर, हाँ सर। जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, तो मुझे बताओगे कि क्या करैक्टरिस्टिक होती है नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है बच्चे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मतलब कि कैसी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन। तो यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इज नॉट यूनिट मेम्ब्रेन, ध्यान रखना कि ये यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिट मेम्ब्रेन होने के लिए फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होना चाहिए, पर यहां पे फॉस्फोलिपिड की सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, तो आप लिख दो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल फॉस्फो लिपिड, ठीक है, लेयर व्हिच इज ब्रांच्ड, कैसी है वो, उसमें मतलब ये सिंगल लेयर है, इसमें ढेर सारी इस तरह से ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांच चेन आप लिख सकते हो, लिपिड जो फॉस्फोलिपिड है वो ब्रांच चेन है, कॉपी हो गया? हाँ सर। अब देखो इसकी जो ब्रांचिंग होने की वजह से, ये जो फॉस्फोलिपिड है उसमें ब्रांचिंग होने की वजह से, ब्रांच चेन लिपिड होने की वजह से, इट हैज मोर रेजिस्टेंट, ठीक है, टू एक्सट्रीम हैबिटाट, एक्सट्रीम हैबिटाट में रहने के लिए ये आर्कियोबैक्टीरिया को ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या आप इस तरह से लिख सकते हो कि ड्यू टू दिस, ठीक है, ड्यू टू दिस, this group of bacteria it has more ability to resist extreme habitat
लिखने की जरूरत है क्या? ये सब लिख लो, हाई टेम्परेचर, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, मार्शी प्लेसेस। तो वो बेसिकली उसकी ब्रांच चेन की वजह से है। ब्रांच चेन होने की वजह से ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, वो एक्सट्रीम जो हैबिटेट है वहां पे इजिली सरवाइव कर लेता है, क्योंकि ये रजिस्ट करता है उसको, उसको रजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हो गया बच्चा? हाँ सर। हाँ सर। अब चलते हैं, तीन मेजर ग्रुप्स में आर्कियोबैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। और भी बहुत सारे हैं, अगर कोई स्पेशली हायर लेवल पे आर्कियोबैक्टीरिया पढ़ेगा तो उसको और भी सारे मिलेंगे, बट हमारा जो यहाँ पे इस लेवल सर, हाँ बोलो सर, अगर फॉस्फोलिपिड बाइलियर होता तो टेल पार्ट एक तरफ हो जाता, फिर तो वो हाइड्रोफोबिक है इसलिए, बट यहाँ तो एक लेयर है वो तो पूरी बात आप सुनते नहीं हो। मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि ब्रांचिंग है वहां पे, और ब्रांचिंग क्या प्रोवाइड करेगी उसको? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस नहीं, ब्रांचिंग उसको ढक लेगा, उसको कवर कर लेगा ब्रांचिंग, विग्रस ब्रांचिंग है वहां पे। उनको ये थोड़ी वो बोल रहा है कि फास्फोलिपिड है, इसका मतलब कि पूरे का पूरे जो है क्या कहते हैं उसमें फास्फोलिपिड भरा हुआ है। ब्रांचिंग जो पॉइंट, ब्रांचिंग पॉइंट है, माइट बी चांसेस ये फास्फोलिपिड इसमें ये जो ब्रांचिंग है ये आपके जो है क्या कहते हैं कोई और लिपिड हो जो उसको जो है बेसिकली कवर करने का काम कर रहा। अगर मैं सिर्फ फास्फोलिपिड बोल देता, अनब्रांच फॉस्फोलिपिड बोलता, तो मतलब बनता था इस क्वेश्चन का। आर्कियोबैक्टीरिया आपका जो है क्या कहते हैं, थ्री ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है मेनली। मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स थर्मोजिलोफाइल्स, ये थ्री ग्रुप्स हैं बेसिकली, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोजिलोफाइल्स, ठीक है। मेथनोजेंस क्या है? दीज आर द मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इनको मैंने पहले बता दिया है कि जो हेलोफाइल्स हैं वो आपके एक्सट्रीम हैबिटेट एक्सट्रीम साल्ट कंसंट्रेशन पे रहते हैं, ठीक है, और थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। तो एक 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 करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनको, ठीक है। पहले मेथनोजन से स्टार्ट करते हैं, मुझे लग रहा है आपने कॉपी कर लिया होगा। हाँ सर। ये तो लिखी दिया है मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। अब चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। रूमिनेंट है, रूमिनेंट मतलब जो चौपाए हैं हर्बीवोर्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, उनके उनके जो है गट में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जहां पे ये आर्कियोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो जो आर्कियोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको स्पेशली बोलते हैं रूमिनोकोकस, ठीक है, रूमिनोकोकस बोलते हैं इसको।
तो ये जो रूमिनोकोकस है ये उसके गट में प्रेजेंट है और ये करता क्या है, ये हेल्प करता है सेलुलोज डाइजेशन। इसको सेलुलोज डाइजेशन करके क्या मिल जाएगा, आप जानते हो कि जो आपके यहाँ रुमिनेंट्स प्रेजेंट है वो हस्क खाते हैं, मतलब प्लांट में सेलुलोजिक जो उसका प्लांट प्रोडक्ट है जिसमें सेलुलोज की अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसको खाते हैं। अब जो रुमिनेंट है उनके अंदर अगर हटा दिया जाए तो उनके अंदर कोई उस तरह से एंजाइम नहीं सिक्रीट होता है, मतलब वो खुद से कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास में कोई एंजाइम नहीं है, तो वो एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, वो एंजाइम सिक्रीट करता है रुमिनोकोकस जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। क्यों ऐसा करना चाहता है, क्योंकि जब वो इसको डाइजेस्ट करेगा तो इस डाइजेशन से उसको जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनसे वो एनर्जी जनरेट करता है, उनसे क्या जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट एनर्जी, ठीक है। और पूरा स्टेप नहीं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्टेप लिख रहा हूं कि ये जब CO2 प्रोड्यूस होता है तो CO2 को ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन में, मीथेन, CO2 को ये मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हर जगह यही होता है, जैसे जैसे कोई मार्सी प्लेस है, दलदल वाला प्लेस, ठीक है, तो मार्सी प्लेसेस में जो बीच बीच में स्पेस रह जाता है दलदल में, ठीक है, एयर भरी हुई होती है और एयर में प्रेजेंट होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेन पे कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ वेस्ट बंगाल की बात मैं करूं तो वेस्ट बंगाल में राइस फील्ड देखोगे तो राइस फील्ड किस तरह की होती है, वो भी थोड़ी सी मार्सी होती है, दलदल टाइप का बना जाता है, ठीक है, पानी लगातार फ्लो करते रहते, तो मेथनोजेंस वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी मेथनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं, वो जो बेसिकली एयर स्पेसेस में जो CO2 भरा हुआ है उसको किसमें कन्वर्ट करता रहता है, मीथेन में। थोड़ा बहुत आपने कभी अपना ठीक से पढ़ा है पॉल्यूशन वाला चैप्टर, तो उसमें कई बार आपको सोर्स ऑफ जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस का सोर्स या ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन, ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन क्या बताता है, राइस फील्ड या पैडी फील्ड, पढ़ना देखना अगर कभी मिलेगा कि ये जो राइस फील्ड है वहां से बहुत ज्यादा मेथेन प्रोड्यूस होता है और मेथेन बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का एक बड़ा कंपोनेंट है, एक मेजर कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैस का मेथेन। और ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है, जो गैसेज है ये क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग करवा रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग करा रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ, मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्रुप है मेथनोजेंस ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ये कर क्या रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे जैसे रुमिनेंट्स की केस में देखोगे तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, सेलुलोज जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वहां से CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके उस रुमिनेंट्स के जाने के बाद जो CO2 प्रोड्यूस होगा उस CO2 को रुमिनोकोकस मेथेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे आप आपको आपने नाम सुना होगा एक और किसका, गोबर गैस का सुना है कि नहीं, तो गोबर गैस या इसी का एक और नाम है क्या, बायोगैस, ठीक है। तो गोबर गैस में क्या होता है, यहाँ पे रुमिनेंट से ये डंग निकला, रुमिनेंट से डंग निकला, उसमें ऑलरेडी आपका ये मेथेनोजन प्रेजेंट था, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, मेथेन प्रोड्यूस करेगा जब आप उस डंग को यूज करोगे एज ए गोबर गैस प्लांट में, उस डंग को यूज करोगे जाके, ठीक है, उसमें तो मेथेनोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो तो मेथेन प्रोड्यूस करेगा ही, और मेथेन आपको पता है कि मेथेन एक क्लीन सोर्स ऑफ
एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत कम। मुझे एक मिनट देना, मैं आपके एनसीईआरटी में देखूं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट तो नहीं रहा। चलो मैं इसको लिखवा देता हूं। कि मिथिनोजेंस एग्जाम्पल है ब्रूमिनोकोकस, अगर आपने लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रेजेंट इन गट ऑफ ruminants, help in गोबर गैस, फॉर्मेशन ऑफ गोबर गैस, ठीक है। चल और भी दिखा देता हूं, जैसे आपके मेथिनोबैक्टीरियम, मेथिनोकोकस, तो यहाँ पे चाहे एक और पॉइंट लिख लो कि दीज आर द एनरोबिक बैक्टीरिया। हालांकि जो स्टेटमेंट मैंने पहले लिखा दिया उससे समझ में आ ही गया। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो है रूमिनोकोकस या मेथिनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गोबर गैस, इसी को आप बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है, और मेथेन भी लिख लेना कि बायोगैस इसमें जो मेजर सोर्स है वो क्या है, मेथेन। इरेज कर दो बच्चे। हाँ सर, ठीक है। दूसरा ग्रुप है हेलोफाइल्स का, मैंने पहले ही बता दिया है कि हेलोफाइल्स आर प्रेजेंट इन हेलोफाइल्स प्रेजेंट इन कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे, इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई सॉल्ट द एरिया हैव high salt concentration, high salt concentration, जहां salt concentration बहुत ज्यादा होगी वहां पे आपको halophiles मिलेंगे। example अगर आप देखो तो simple सा halophocus लिख दो, पर कोई पूछेगा नहीं आपसे halophocus, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। halobacterium भी है एक,
ये जो ग्रुप है हेलोफाइल्स, बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये सनलाइट की जो एनर्जी है, ठीक है, ये जैसे आपका सन है, यहां से जो लाइट आ रही है, ठीक है, एच न्यू सनलाइट बेसिकली, या सनलाइट ही लिख लो, सनलाइट, ठीक है, एच न्यू, ये जब ज्यादा यहां से जो निकल रहा है बेसिकली, इसकी इस सनलाइट को ट्रैप कर देता है, ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो सनलाइट है उसको एटीपी के फॉर्म में क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है, और इसी एटीपी से फिर ये जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, यूज दिस एटीपी एज सोर्स ऑफ एनर्जी, या इस तरह से बोल सकते हो, यूज दिस एटीपी फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको यूज करता है, ठीक है, उनको उनको के लिए यूज करता है। तो बच्चे मुझे एक चीज बताओगे, अगर तुम लोगों को समझ में आती है, कि ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया हेलोफाइल्स, ये कैसा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू देयर ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल के रिस्पेक्ट में इसको आप किस कैटेगरी पे रखोगे, ऑटोट्रॉपिक, किस तरह से ऑटोट्रॉपिक, और कोई बच्चा, नॉन पोरोसिटी, क्या बच्चे, नॉट फोटोसिंथेटिक, नॉट फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब क्या है, मैं तुमसे सिर्फ ट्रॉपिक लेवल के रिस्पेक्ट में बताऊं, ये हेटरोट्रॉप है या ऑटोट्रॉप है, सिंपल सी बात है, और है तो क्यों है, ऑटोट्रॉप क्यों, क्योंकि यह खुद का एनर्जी का जो एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है एटीपी सनलाइट से। ये बच्चे हेटरोट्रॉप है, हेटरोट्रॉप इसलिए है क्योंकि ये फूड सिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है, हमारा जो ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप का कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द फूड सिंथेसिस, ठीक है, जो फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं उनको हेटरोट्रॉप बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसने क्या है, सनलाइट को इसने ट्रैप कर लिया एटीपी के फॉर्म में, अब ये एटीपी केमिकल है, इस केमिकल को कंज्यूम कर रहा है, इस केमिकल को वो कंज्यूम कर रहा है, बात समझ में आ रही है, कि ये एटीपी केमिकल है, इस केमिकल को कंज्यूम कर रहा है, इस वजह से केमिकल को खाने वाला कोई भी चीज वो हेटरोट्रॉप होगा। और एक और चीज मैं उसमें बता दूं मैं तुम्हें, कि जब तक एटीपी से फूड की सिंथेसिस नहीं हो रही, बात समझ रहे हो, जब तक एटीपी से फूड की सिंथेसिस नहीं हो रही, तब तक वो आपका जो है क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कहलाएगा, सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस फूड सिंथेसिस नहीं, नाम फोटोसिंथेसिस की जो है, अगर आप उसमें देखो कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो फूड की सिंथेसिस हो रही है उस प्रोसेस को आप फूड फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और जो जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वो ऑटोट्रॉप कहलाता है, वो आपका ऑटोट्रॉप कहलाता है। तो यहाँ तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये बेसिकली क्या जनरेट करते हैं, एटीपी, सनलाइट, सन की जो ब्राइट लाइट है उसको यूज करके वो एटीपी सिंथेसिस कर लेते हैं, और एटीपी ही को ही वो
एज ए केमिकल सोर्स वे यूज करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रन करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो फाइल से कॉपी कर लिया होगा सर? थर्मो एसिडोफाइल्स तो थर्मो एसिडोफाइल्स कहां पे रहते हैं ये पूछा जा सकता है। लिव इन हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग हाई टेंपरेचर। क्यों हॉट स्प्रिंग्स में देखना, हॉट स्प्रिंग्स में वैसे तो दोनों तरह की हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगी ठीक है, पर हॉट स्प्रिंग में जो कंडीशन है मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे जो वाटर है ठीक है वो कैसा होता है, हॉट वाटर, टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होगा वहां पे, मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिलेगा। तो एक तो ये हो सकता है या हॉट वाटर या इस तरह से लिखो हॉट प्लस एसिडिक वाटर, हॉट प्लस एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर। बात समझ गए कि अब कैसे है कि एक्चुअली ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडेशन करता है। मैं जैसे बोल दूं थर्मो, ये टी बोल दिया मैंने एक बैक्टीरिया, ये क्या करता है ये ऑक्सीडेशन करता है जैसे सल्फर ठीक है, वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके चेंज कर देगा किसमें, सल्फेट में, और फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके आपका क्या बना देगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब धीरे धीरे करके सल्फ्यूरिक एसिड बनता चला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनता चला जाएगा तो ऑलरेडी एसिड पीएच क्या हो जाएगी वाटर की, पीएच लो हो जाएगी, बहुत एसिडिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा एसिडिक, मतलब कि कोई आदमी अगर गिर गया तो उसके सिर्फ क्या निकलेंगे वहां से, हड्डियां, डेड बॉडी नहीं हड्डियां मिलेंगी निकलेंगी, सारा गल के बाहर हो जाएगा, इतना इतना एसिडिक होता है ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं ये बेसिकली हॉट स्प्रिंग्स पे ग्रो करते हैं, तो हॉट स्प्रिंग या हो सकता है सिर्फ हॉट वाटर हो या हो सकता है कि वहां पे हॉट प्लस एसिडिक वाटर हो, और एसिडिक होने की वजह मैंने तुमको बता दिया, ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ये बेसिकली क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करने से सल्फर, बेसिकली ये सल्फर हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, यहाँ पे सल्फर मिल जाता है ठीक है, वो सल्फेट पे चेंज करेगा जो कि H2SO4 पे चेंज होगा, और ये H2SO4 बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, एसिडिक इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल एक लिख दो, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है थर्मस इक्वेटिकस, एक्वाटिकस, इसका नाम एक बार फिर से मैं बताऊंगा। एक जब पीसीआर आप पढ़ते होंगे तो पीसीआर में एक एंजाइम यूज होती है टैग पॉलीमरेज ठीक है, तो जो टैग पॉलीमरेज है वो इसी से निकाली जाती है, ये सोर्स है टैग पॉलीमरेज, लिख दो चाहे सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज, कहां पे यूज किया जाता है टैग पॉलीमरेज, पीसीआर में, पीसीआर में। पीसीआर में यूज किया जाता है।
ठीक है। तो यहां से आपका ये खत्म हो चुका है। अब चलते हैं यू बैक्टीरिया पे। एक टॉपिक छूट गया, सोच रहा हूं मैं उसको पहले कवर करा लेता हूं। मुझे जनरल करैक्टरिस्टिक में ही उस टॉपिक को लिखा लेना चाहिए था, करा लेना चाहिए था। मैं शायद अब करवाऊंगा उसको आपका। ये इरेज करते हैं बच्चे। शेप ऑफ द बैक्टीरिया में मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, या मैं जब सेल चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे डिस्कस किया है, नहीं डिस्कस किया वहां पे। शेप ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअली यू बैक्टीरिया में भी ये चल जाएगा, वहां पे भी मैं लिखा सकता हूँ इसको, बट चूंकि ये सारे बैक्टीरिया के शेप हैं, इस वजह से इसको पहले ही लिखाना चाहिए था मुझे जब जनरल करेक्टरिस्टिक बता रहा था। ठीक है, कि जो आपका ग्रुप है बैक्टीरिया, ठीक है, या मोनेरा, आप इसको मोनेरा के अंदर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कौन सा विटेकर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया में देखोगे कि मेजर फोर टाइप्स के शेप्स प्रेजेंट। ठीक है, मेजर फोर टाइप्स। कौन कौन से मेजर फोर टाइप्स है? एक है अगर शेप जो है कैसा हो, अगर शेप स्फेरिकल हो, बैक्टीरिया का शेप अगर स्फेरिकल हो तो उनको हम बोलते हैं कोकस। ठीक है, अच्छा ये कोकस सिंगुलर वर्ड है, अगर बहुत सारे के लिए यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? कोकी, कोकाई। हाँ, कोकाई। ठीक है, ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। अगर शेप जो है रॉड शेप्ड हो, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो बैसिलस। बैसिलस, बैसिलस, ठीक है, आप उसको बैसिलस बोलोगे और बहुत सारे को बैसिलाई बोलोगे। ठीक है, अगर कोमा शेप्ड हो, विब्रियो, विब्रियो, इसको आप बोलोगे विब्रियो। और अगर स्पाइरल शेप्ड हो, इसको आप बोलोगे स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जितना तो एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं एग्जांपल पहले करा देता हूं, फिर मैं कुछ कुछ चीजें और बताऊंगा। जैसे इसका एग्जांपल है आपका, बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ, जैसे एग्जांपल में मिथेनोकोक्कस, मिथेनोकोक्कस स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, हालांकि स्ट्रेप्टोकोकस इसके अंदर फिर से कैटेगराइज किया जा सकता है। चलो फिर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जांपल इस, ये बैसिलस के नाम से ही, बैसिलस थुरिंजियेंसिस, बैसिलस। ठीक है, ये जो विब्रियो है, जिसे विब्रियो कॉलेरी, जिसको बोलते हैं विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। स्पाइरल शेप्ड में स्पाइरिलम है, मेरे को दिमाग में इस समय कोई एग्जांपल आ नहीं रहा है।
स्पायरोचीट्स वो भी इसी से बिलोंग। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि ये कोकस की बात करें तो अगर सिर्फ एक इस तरह से स्फेरिकल्स अलग अलग प्रेजेंट है स्फेरिकल, तब तो इनको बोलोगे आप सिंपली कोकस, ठीक है, या मोनोकोकस बोल दो ठीक है, इनको मोनोकोकस बोल दो। अगर ये इस तरह से डबल डबल के ग्रुप में प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से डबल डबल के ग्रुप में प्रेजेंट, तो इसको क्या बोलोगे आप, डिप्लोकोकस। इसको क्या बोलोगे आप, मोनोकोकस। और अगर इस तरह से चेन बना ले तो इसको आप बोलोगे स्ट्रेप्टोकोकस। तब आप उसको बोलने लगोगे, अगर चेन बना ले तो क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और अगर चेन ब्रांच हो जाए, समझ रहे हो, मतलब चेन में ब्रांचिंग हो जाए इस तरह से, इस तरह से ब्रांचिंग हो जाए, तो इसको बोलते हैं हिस्टोफाइलोकोकस। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोफाइलोकोकस। बात समझ में आ गई। सेम चीज आपको रॉड के साथ भी मिलेगी, अगर सेपरेट रॉड है तो बैसिलस हो गया या मोनोबैसिलस। अगर रॉड इस तरह से बना लें, ठीक है, जुड़ जाएं दो रॉड्स, तो ये हो जाएगा आपका डिप्लोबैसिलस। अगर चेन बना ले इस तरह से तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, और इस तरह से ब्रांच चेन बना ले तो स्ट्रेप्टोफाइलोबैसिलस। लिख लोगे? यस सर। ये आपका स्ट्रेप्टो है, ये वाला, और अगर इस तरह से तो ये आपका स्ट्रेप्टोफाइलो। आगे लिख लेना है, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं यू बैक्टीरिया स्टडी। तो बाकी सारी चीजें तो मैंने बताई दी है, ये भी बता दिया है कि कॉस्मोपॉलिटन जहां बैक्टीरिया मैंने लिखाया था, ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था कि ये मोस्टली आपके क्या है, ठीक है, मोस्टली हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है, लार्जेस्ट इन नंबर या मोस्ट अबंडेंट है, ये सारी चीजें तो मैं इनके बारे में पहले ही लिखा चुका हूं जब मैंने बैक्टीरिया बताया, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है। जरा सा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, थोड़ा डीप में जाके देखें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया की आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो तुम सबसे बाहर की तरफ चलो, ये सपोज कर लो आपका बैक्टीरिया, तो सबसे बाहर की तरफ आपको एक बाउंड्री नजर आएगी, सबसे बाहर की तरफ एक बाउंड्री नजर आएगी जिसको आप क्या नाम देते हो, हेलो
फिलिंग एनवेलप्ड, ठीक है। एक जो बाउंड्री है, जब आप बैक्टीरिया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया स्टडी करते हो तो जो सबसे बाहर की तरफ आपको स्ट्रक्चर नजर आता है उसको आप बोलते हो सेल एनवेलप। अब ये जो सेल एनवेलप है ये थ्री लेयर है, ये आपका थ्री लेयर। इसमें से कौन कौन सी लेयर है, अगर आप इस थ्री लेयर स्ट्रक्चर को देखोगे, इसमें जो आउटर मोस्ट है, मैं आउटर मोस्ट को 60 में लिख रहा हूं ओएम से, ठीक है। आउटर जो मोस्ट है वो आपका क्या पड़ेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। जो मिडिल लेयर है सेल वॉल है, और जो इनर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन है आपकी। ये लेयरिंग आपको इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो जरा सा कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल। मैंने पढ़ा चुका हूं इसको, कहां पढ़ाया मैंने, सेल चैप्टर में, सेल में, ठीक है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है मैंने बताया था कि अगर ये लूज शीथ बनाए, स्लाइम लेयर, तो इसको बोलते हैं स्लाइम। और अगर ये हार्ड स्ट्रक्चर बनाए, टफ कवरिंग बनाए, कैप्सूल, टफ कवरिंग, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, मतलब कहने का कि कैप्सूल जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट ही, सारे के सारे बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीथ है तो स्लाइम लेयर, नहीं तो वो क्या हुआ, वही तो वो कैप्सूल कहलाएगा, कैप्सूल। जब लूज शीथ मतलब लूजली बाउंड, हाँ और क्या, लूजली बाउंड नहीं बोल सकते तुम उस चीज को, वो एक लेयर है जो कि लूज है, जाहिर सी बात है, एक लेयर है जो कि लूज है, ठीक है, थिन लेयर है, लूज लेयर है। जो बैक्टीरिया कैप्सूल रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैप्सूल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है, दिस कैप्सूल इज सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है इसको बताओ, सेल मेम्ब्रेन, सिक्रीटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल जो है आपका सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है, एंड द कैप्सूल में सब चीजें पता नहीं मैंने बताई कि नहीं बताई, पर अगर नहीं बताई तो ध्यान दे रखो कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो जनरली, ध्यान रखना, जनरली क्या होते हैं, पैथोजेनिक, मतलब इनके अंदर डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कैप्सूल है वो इम्यून सिस्टम को इवेड कर जाता है, इम्यून सिस्टम को धोखा दे देता है, तो इम्यून सिस्टम उसको किल नहीं कर पाता, और अगर नहीं किल कर पाया इम्यून सिस्टम तो जाहिर सी बात है वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जनरली जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, मुझे एक्चुअली ये एरो बच्चे यहाँ पे लगाना चाहिए था,
यहां पे। जनरली पैथोजेनिक होते हैं। यहां पे जरूर इसमें जरूर लिख लो, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उससे बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है। जो कैप्सूल है इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। लिख दो कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। ओके हाँ सर, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ बच्चे, वो जो म्यूल है उस म्यूल की स्पीसीज को वो जिससे बना होता है उन दोनों के स्पीसीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है उसके लिए। तो ठीक है बच्चे, आज बस इतना है।